ऑफिस रूम में उस कॉन्ट्रैक्ट पर खुशी कुमारी गुप्ता का नाम आपकी कीमत से ज्यादा मायने रखता है। भाड़ में गए आप और भाड़ में गए आपकी नौकरी। और आप हारते बहुत बुरा है मिस्टर आयसा, क्योंकि हारने के बाद भी आप ये नहीं मानेंगे कि गलती आपकी थी। तो सुन लीजिए मिस्टर आयसा, हम ठीक हैं, आपकी वजह से नहीं, आपके बावजूद भी हम ठीक हैं। जो इंसान किसी की जिंदगी जानबूझकर खतरे में डाल सकता है, उस इंसान के साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। आज हम आपको ये बताने आए कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं, और आपको जो करना है मिस्टर आयसा आप कर लीजिए। ये रहा हमारा इस्तीफा। भाड़ में गए आप और भाड़ में गए आपकी नौकरी। चलो, कुछ तो है जो तुम में और खुशी में बिल्कुल एक जैसा है। गुस्सा। लेकिन तुम्हारे गुस्से में तो हमें गलती करने का एहसास दिख रहा है ना? आज इस तरह से मुंह मोड़ने से काम नहीं चलने वाला छोटे भैया। क्या? क्या नहीं, क्या 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 है तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें परेशान कर रहा है? ये कि खुशी ने हिम्मत कैसे की तुमसे ऐसे बात करने की, या फिर ये कि उन्होंने तुम्हें सफाई देने का मौका नहीं दिया? हम जानते हैं कि गेस्ट हाउस के हादसे के बाद तुम बहुत परेशान हो। खुशी की जान भी जा सकती थी, इसलिए तुम खुशी को सॉरी बोलना। इनाम दी, मैंने कभी किसी को सफाई देना जरूरी नहीं समझा। मुझे उस खुशी से कुछ नहीं कहना, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अच्छा, तो फिर हम जब भी खुशी की बात करते हैं तुम ऐसे भड़क क्यों जाते हो? प्लीज लीव मी अलोन। क्यों आती हो? ती, आप ठीक तो हो ना? आपने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा ना? कल तीज है छोटे, हम ये व्रत कैसे तोड़ सकते हैं? ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आकाश ने बताया था तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तुम जाओ ना, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने सब इम्पोर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। जब तक आप व्रत ना तोड़ने की जिद पे अड़े रहोगे, तब तक मैं ऑफिस ना जाने की जिद पे अड़ा रहूंगा, और यहाँ रहकर पहरेदारी करूंगा, और देखूंगा कहीं आप फिर से चुप चुप कर काम ना करने लग जाओ। नहीं, सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहती हैं। लेकिन तुम यहाँ से सब कुछ संभालोगे कैसे? वो मेरा प्रॉब्लम है, आप बस आराम करो। इतना कुछ हो गया, हमने इतना कुछ बोल दिया, उस लॉर्ड गवर्नर के घर जाके उसे इस्तीफा भी दे दिया, उसी के घर में उसे सुना दिया, तो हमें अच्छा लगना चाहिए ना? फिर हमें खराब क्यों लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हम ठीक है, हम ठीक है। हम ठीक नहीं है, हमें क्या हो रहा है? एक मिनट पायल जी। अच्छा, आप खोल दीजिए।
क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक है ना? ए पहलिया, उनको अंदर तो आए दे। बोलना खुशी, क्या हुआ? जीजी, हमने इस्तीफा दे दिया और उस लॉर्ड गवर्नर को अच्छे से डांटा भी। पर पता नहीं, ये आवाज तो अंदर से आ रही है। आवाज बिटिया, जा के देखो, देखो देखो। दर्द गम परेशानी सब की बात भुलाई जाए, दिल्ली में बैठे लखनऊ सी बात बनाई जाए। हम तो कहते हैं शुक्ला जी की चाट खाई जाए। श्याम जी, आप श्याम जी नहीं खुशी जी, शुक्ला जी कहिए, शुक्ला जी। अब पर ये सब सबका छोड़िए, अपनी बताइए। अब हुआ यूं कि हम सुने आपका मूडवा खराब है तो हम कहे कि अब कहेंगे का, हम यूं किए कि आपको घर की याद ना सताए इसलिए हम लखनऊ यहीं ले आए। अब शुक्ला जी की चाट तो खाई है ना? कैसी बातें कर रहे हो बबुआ? अरे चाट खाने में तो हमारी उस्तादी है उस्तादी। ये सब गोलगप्पा खाए खाए के तो हम गोलगप्पा हुए हैं। याद है हम गर्मियों की छुट्टियों में कितना मजा किया करते थे? हम आपकी पसंद जानते हैं खुशी जी। सिंह रायजादा ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं जीजी, वो तो बस हमारी बात ही सुन रहा था, उसने हमें टोका तक नहीं। अच्छा शादी कर रहे हो, ये तो कमाल की खबर है। अरे नहीं भाई, वो हम नहीं आ पाएंगे। अब दिल्ली में होते तो जरूर आते, पर क्या करें टूर पे निकले हुए हैं ना। अच्छा तो पसंद अम्मा जी बाबूजी की थी या? यार बहुत बढ़िया। नहीं, हम अच्छे से समझते हैं उस ढाई अक्षर के एहसास को। बात हफ्तों की हो या सालों की, प्यार तो प्यार होता है।